नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टूर एंड ट्रेवल में स्वागत है। आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये रामचरितमानस और रामायण के अनुसार बहुत ही पावन जगह है और इस जगह का नाम है मखौड़ा धाम। जी हाँ, मखौड़ा धाम, ये वही मखौड़ा धाम है जहाँ पे ऋषि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी और सिंगी ऋषि जी ने हवन यज्ञ कराया था। अर्थात उस यज्ञ के पश्चात उन्होंने खीर दिया था राजा दशरथ को, और राजा दशरथ से ये कहा था जो भी इस खीर को खाएगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। और उस खीर को कौशल्या, केके और सुमित्रा ने खाया था, उसके पश्चात उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन पुत्र रत्नों में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने वाला जो है ये वही यज्ञ स्थल है जहाँ पे यज्ञ हुआ था गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र और सिंगी ऋषि के द्वारा। तो देख सकते हैं आप, ये वही स्थल है। इसके साथ में आप देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा सजावट किया गया है पुल के तरफ, आपको बहुत ही आकर्षण लग रहा होगा। और दोस्तों, ये जो आप नदी देख रहे हैं ये वही नदी है जिसके किनारे ये जो है वाल्मीकि का स्थल बना था या मंदिर बना था। देख सकते हैं ये मनोरमा नदी के किनारे ही वशिष्ठ जी का निवास था, और उसी निवास के पास में जो यज्ञ स्थान था वो है। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर सा सजावट किया गया है। और जो ये सामने आप देख रहे हैं ये गुरु वशिष्ठ का जो है मंदिर था जहाँ पे वो रहते थे। तो आपको मैंने दिखाया, और देख सकते हैं इतनी रात को आप देख सकते हैं इतनी रात को जो मनोरमा नदी है उसमें लोग यात्रा कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं नाव किस तरह से मनोरमा नदी में चल रही है, और उस तरफ आप देख सकते हैं खूब सुंदर सा सजावट किया गया है। बाकी आप सभी लोगों से मेरा प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।